हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बेसिक एग्री चैनल पे। दोस्तों, आज हम एक नया और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंडियन एग्रो क्लाइमेटिक जोन, जो कि एक पार्ट में कवर करना संभव नहीं, इसलिए मैंने इसके अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। तो चलिए सीखते हैं। एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग। Agro-Climatic Regional Planning in India was initiated in 1988 by the Planning Commission. ये इसकी Agro-Climatic Regional Planning की अभी तो Agro-Climatic Zone की Planning ये 1988 में Planning Commission में की गई है, which is the 7th 5-year plan, जो कि 7वां 5-year plan था। इस 7वें 5-year plan के प्लान में एग्रोक्लाइमेटिक प्लानिंग रीजनल प्लानिंग की प्लानिंग की गई है 1988 में। द बेस और फैक्टर ऑफ प्लानिंग कमीशन आर रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉइल टोपोग्राफी, क्रॉपिंग एंड फार्मिंग सिस्टम एंड वाटर रिसोर्सेज। इसके जो बेस है, जिस पे से जो बेस फैक्टर है और जिस पे से ये कंसिडर किया गया है कि अलग अलग, मतलब जिस पे से इनको डिवाइड किया है, जो बेस है वो है टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल टोपोग्राफी, क्रॉपिंग सिस्टम एंड वाटर रिसोर्सेस। इंडिया में देखा जाता है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग रेनफॉल होता है। कुछ जगह पे कम होता है, कुछ जगह पे बारिश ज़्यादा गिरती है, साथ ही साथ टेम्परेचर कुछ जगह पे ज़्यादा होता है, कुछ जगह पे कम होता है। जैसे कि हम देखेंगे साउथ रीजन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है और नॉर्थ रीजन में टेम्परेचर कम होता है। और उसी तरह से सॉइल अगर देखेंगे कि नॉर्थ एरिया में सॉइल, रेड सॉइल ज़्यादातर मिलती है, और वेस्ट इंडिया जैसे कि महाराष्ट्र में देखे जाए तो ब्लैक सॉइल वहाँ पे ज़्यादा दिखने को मिलती है। एंड जो क्रॉपिंग सिस्टम है, जो क्रॉपिंग सिस्टम एंड फार्मिंग सिस्टम जो कि हमने पहले लेक्चर में सीखा है, वो भी अलग अलग है हर जगह की। एंड वाटर रिसोर्सेस, इन सबको ध्यान में रखते हुए एग्रोक्लाइमेटिक रीजनल की प्लानिंग की गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्रोक्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया का यहाँ पे मैंने एक इमेज यहाँ पे दी है, जो कि अलग अलग कलर्स पे दिखाया गया है कि अलग अलग जोन दिखाया गया है साइड में, और बाजू में उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया ऑफ होमोजेनिटी इन एग्रोक्रेस्टिक, विच इज़ द वाटर सरप्लस एंड वाटर डिफिट, फर्स्टली इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू 11 एग्रोक्लाइमेटिक जोन। बस वही है कि जो क्राइटेरिया को बेस करते हुए होमोजेनिटी और उसके जो कैरेक्टर है और वाटर सरप्लस को ध्यान में रखते हुए पहले 11 एग्रोक्लाइमेटिक जोन की बनाए गए थे, और लेटर ऑन इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स। बाद में उसको 11 से 15 कर दिया गया है। बाद में इसको 12 से 15 कर दिया गया है। उसका जो बेस था, उसमें जो चेंजेस हुए, वो चेंजेस इस तरह है। बाय इंक्लूडिंग क्रॉपिंग सिस्टम ऑन द बेस, दैट मींस ऑन द बेसिस ऑफ द वाटर सरप्लस, वाटर डिफेक्ट एंड क्रॉपिंग सिस्टम, इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन। बाद में इसमें क्रॉपिंग सिस्टम ऐड किया गया है। पहले खाली वाटर सरप्लस और वाटर डिफेक्ट था, और क्रॉपिंग सिस्टम ऐड करने के बाद इसको 11 से 15 कर दिया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लिस्ट है, टोटल 15 क्लाइमेटिक जोन की एक लिस्ट यहाँ पे दी गई है। वेस्ट हिमालय रीजन, जो कि सबसे अपने डायग्राम में सबसे टॉप में दिया गया है, वो वेस्ट हिमालय रीजन है। दूसरा ईस्टर्न हिमालय रीजन, जो कि
स्काई ब्लू कलर में दिया गया है इधर बांग्लादेश के ऊपर, वो हमारा ईस्टर्न हिमालय रीजन है। इन सब का मैं इन सब की लोकेशन में आगे बताने वाला हूँ और उसकी जो फिगर के साथ डिस्क्रिप्शन भी देने वाला हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे लिस्ट दी है, वो लिस्ट में एक बार फटाफट पढ़ लेता हूँ। लोअर थर्ड है लोअर गंगाटिक प्लान, फोर्थ है मिडल गंगाटिक प्लान, फिफ्थ है अपर गंगाटिक प्लान, सिक्स ट्रांस गंगाटिक प्लान, सेवन्थ है ईस्टर्न प्लेटू एंड हिल्स, एट है सेंट्रल प्लेटू एंड हिल्स, नाइन्थ है वेस्टर्न प्लेटू एंड हिल्स, 10th है साउथर्न प्लेटू एंड हिल्स, 11th है ईस्ट कोस्ट प्लेन प्लेन्स, 12th है वेस्ट कोस्ट प्लेन एंड घाट्स, 13th है गुजरात प्लेन्स एंड हिल्स, 14th है वेस्ट ड्राई रीजन, 15th है ईस्टलैंड रीजन। तो ये सब हमारे लेटेस्ट 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स है। तो चलिए शुरुआत से एक एक करके हम एग्रोक्लाइमेटिक जोन सीखते हैं। इसमें फर्स्ट है वेस्टर्न हिमालय रीजन। दोस्तों मैंने साइड में इंडिया का मैप के जरिए आपको जो वेस्टर्न हिमालय रीजन की मैंने एक अपने आपको लोकेशन बताने का ट्राई किया है, जो इंडिया का मैप है उस पर मैंने ब्लू कलर से उसको इंडिकेट किया है। इट इंडिकेट जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड हिली एरिया ऑफ यूपी। इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हिली एरिया ऑफ यूपी आते हैं इस रीजन में, वेस्टर्न हिमालय रीजन में। इसका जो क्लाइमेट है वो कूल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है। तो ये जो डायग्राम है मैं इसको ज़रा जूम जूम करते हुए यहाँ पे जूम करके दिखाया है। इस यहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल होता है वो 1650 से लेकर 2000 mm से तक होता है। और यहाँ के इम्पोर्टेंट क्रॉप्स है व्हीट, मेट्स, पैडी, पोटैटो। ये व्हीट, मेट्स, पैडी, पोटैटो यहाँ के इम्पोर्टेंट क्रॉप है जो ज़्यादातर यहाँ पे लिए जाते हैं। क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज़ लोवेस्ट इन जम्मू कश्मीर एंड हाईएस्ट इन हिमाचल प्रदेश एज यूजल, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बर्फ़ ज़्यादा होती है इसलिए वहाँ पे क्रॉपिंग इंटेंसिटी कम होती है और हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा होती है। ईस्टर्न हिमालय रीजन ये हमारा सेकंड सेकंड जोन है, जो कि बांग्लादेश के ऊपर जो कि बांग्लादेश और म्यांमार के बाजू में है। इट इंक्लूड्स सिक्किम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम, जलपाईगुड़ी, एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल एंड सम पार्ट ऑफ बिहार। ये इसमें ज़्यादा ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कहिए ज़्यादा स्टेट्स सॉरी डिस्ट्रिक्ट नहीं स्टेट्स यहाँ पे ज़्यादा इस सेकंड टाइप में, इस सेकंड जोन में ज़्यादा स्टेट्स आते हैं जो कि छोटे छोटे हैं। हमारे इंडिया के सारे इंडिया में जो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के ऊपर, म्यांमार के ऊपर जो रीजन है सिक्किम से लेकर बिहार तक, ये उसमें बिलोंग करता है। और इसका भी मैंने एक फिगर बड़ी करके दिखाया है कि कैसे म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में ये ईस्टर्न हिमालय रीजन है, जो कि मैंने ब्लू कलर से इंडिकेट किया है। इसके जो
यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड क्लाइमेट है। यहाँ का एनुअल रेनफॉल है 1840 से लेकर 3528 mm यहाँ पे रेनफॉल होता है। और साथ ही साथ हम यहाँ की इम्पोर्टेंट क्रॉप चेक लेते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्रॉप है मेज, पैडी, जूट एंड रैपसीड। यहाँ पे मेज, पैडी, जूट और रैपसीड ज़्यादा से ज़्यादा लिए जाते हैं यहाँ की इम्पोर्टेंट क्रॉप से। और यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज अडोप्टेड ऑन 1/3 ऑफ द कल्टिवेटेड एरिया। यहाँ का जो कल्टीवेटेड एरिया है उसमें से 1/3 एरिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है। सॉइल इरोजन इज मोर, और यहाँ पे सॉइल इरोजन ज़्यादा देखा जाता है और ज़्यादा यहाँ पे सॉइल इरोजन होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट जोन में। तीसरा जोन है लोअर गंगटिक प्लेन्स, इट्स बिलोंग वेस्ट बंगाल रीजन। ये खाली वेस्ट बंगाल में होता है, बोल तो ये जोन वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है, यहाँ पे दूसरी स्टेट नहीं है। ह्यूमिड मॉइस्ट ह्यूमिड एंड ड्राई ह्यूमिड क्लाइमेट है यहाँ का। और यहाँ का जो एनुअल रेनफॉल है वो 1302 से लेकर 1607 mm होता है। और यहाँ की इम्पोर्टेंट क्रॉप्स है राइस, जूट, रैपसीड, वीट। और यहाँ पे मेज और पोटैटो जो कि मैंने अंडरलाइन किए गए हैं वो नए से इंक्लूड किए हैं। पहले यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्रॉप्स में राइस, जूट, रैपसीड एंड वीट इतने ही थे, बाद में इसमें मेज एंड पोटैटो ऐड किए हैं। यहाँ की प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस इज लोअर देन द नेशनल एवरेज, 15 क्यू पर हेक्टर, बट दिस रीजन कंट्रीब्यूट 12% ऑफ द टोटल राइस प्रोडक्टिविटी इन इंडिया। यहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है वो राइस की जो बहुत कम है, लेकिन तभी भी अगर हम इसका एनालिसिस करते हैं तो ये 15 क्यू पर हेक्टर नेशनल एवरेज है इसका। और ये कंट्रीब्यूट करता है 12% इंडिया के जो टोटल राइस प्रोडक्शन है उसमें 12% यहाँ से वेस्ट बंगाल से आता है, और जो कि उसकी 12% होता है, और जो कि खाली 15 क्यू पर हेक्टर ही है इसका एवरेज है, नेशनल एवरेज है 15 क्यू पर हेक्टर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फोर्थ हमारा जोन है जो कि जिसका नाम है मिडल गंगेटिक प्लान। इट इंक्लूड ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी एंड बिहार प्लेन्स। यहाँ इसमें यूपी का ईस्टर्न पार्ट और बिहार का कुछ पार्ट आता है। यहाँ का क्लाइमेट है मॉइस्ट टू ड्राई सब ह्यूमिड क्लाइमेट। यहाँ का क्लाइमेट मॉइस्ट और सब ह्यूमिड रहता है, जो कि ड्राई सब ह्यूमिड तक हो सकता है। इसको मैंने यहाँ पे फिर से मैंने यहाँ पे बड़ा करके दिखाया है। ये देखिए ये जो मिडल गंगटिक प्लेन है वो नेपाल के नीचे और बांग्लादेश वेस्ट बंगाल के ऊपर आता है, तो मैंने ब्लू कलर से यहाँ पे इंडिकेट किया है। यहाँ का एनुअल रेनफॉल होता है 1211 से लेकर 1470 mm। यहाँ के इम्पोर्टेंट क्रॉप्स है शुगर कैन, पैडी, मेज, वीट। यहाँ की इम्पोर्टेंट क्रॉप है चार ही है, शुगर कैन, पैडी, मेज और वीट। ये मिडल गंगटिक प्लेन के इम्पोर्टेंट क्रॉप्स है। 40% ऑफ टोटल क्रॉपड एरिया इज इरिगेटेड। यहाँ पे जो टोटल क्रॉपड एरिया है उसमें 40% इरिगेटेड है। और यहाँ की क्रॉपिंग इंटेंसिटी है 142%। अगर हम इंडिया की देखेंगे ये यहाँ पे नीचे दिया ही गया है, वाइल्ड क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ होल इंडिया इज 136%। इंडिया की एक ध्यान देने वाला बोल तो एक
एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट है कि इंडिया की इंटेंसिटी 136 है और ये जो हमारा फोर्थ फोर्थ जोन है उसकी 142 है। तो भी ये पूछा जा सकता है कि इंडिया की क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है, तो 136 इंडिया की क्रॉपिंग इंटेंसिटी है। तो चलिए फिफ्थ हमारा जोन देखते हैं। फिफ्थ जोन है अपर गंगाटिक प्लान। ये अपर गंगाटिक प्लान से इसमें रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूपी एंड थ्री सब रीजन, इसमें यूपी का रिमेनिंग पार्ट और तीन सब रीजन आते हैं। यहाँ का क्लाइमेट है ड्राई सब ह्यूमिड टू सब ड्राई क्लाइमेट। इसको जूम करके दिखाया गया है कि बस जो हमारा पहला था, जो हमने हमारा फोर्थ जोन देखा था वो मिडल गंगेटिक प्लान था और ये अपर गंगेटिक प्लान है। इसका एनुअल रेनफॉल होता है 721 टू 979 mm। यहाँ का एनुअल रेनफॉल है और यहाँ की इम्पोर्टेंट क्रॉप्स है राइस व्हीट मेज एंड शुगर केन। ये यहाँ के मेन क्रॉप है राइस व्हीट मेज एंड शुगर केन। यहाँ की यहाँ पे जो इरिगेशन इंटेंसिटी है, ये जो अपर गंगेटिक प्लेन की जो इरिगेशन इंटेंसिटी है वो 131 है परसेंट, 131% और 131% यहाँ पे इरिगेशन इंटेंसिटी है और यहाँ पे क्रॉपिंग इंटेंसिटी है 145 यहाँ की क्रॉपिंग इंटेंसिटी है। और इरिगेशन इज़ डन बाय कैनल एंड ट्यूबवेल, और यहाँ पे कैनल से और ट्यूबवेल से इरिगेशन किया जाता है। एंड स्पेशल प्लानिंग इज अडोप्टेड टू ग्रो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स साइंटिफिकली। यहाँ पे स्पेशल प्लानिंग की जाती है वेजिटेबल एंड फ्रूट ग्रो करने के लिए साइंटिफिकली, और साथ ही साथ मिल्क प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग यूनिट आर बीइंग एस्टेब्लिश्ड। और यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग यूनिट इस्टेब्लिश हो रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल हम बाकी के जोन देख लेंगे। तो जो पहली बार हमारा लेक्चर देख रहे हैं तो वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए।